नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो आज दोस्तों दो महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। पहले तो सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने सिंचाई विभाग की पूरी पोल जो है वो खोल दी है। नियमावली का जो ड्राफ्ट है कहीं ना कहीं केवल वही तैयार हो पाया है, केवल संशोधन के लिए जो है वो सिग्नेचर जो है वो लिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाली को लेकर बड़ी घोषणा तो की थी। शिक्षक अभ्यर्थी इसकी सच्चाई जानने के लिए सचिवालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अभी तो नियमावली का ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, केवल संशोधन के लिए शिक्षा मंत्री का सिग्नेचर लिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को पता चला है कि नियमावली में कई संशोधन होने अभी बाकी हैं। नई नियमावली जारी होने में लंबा समय लग सकता है। वहीं दूसरी ओर बिहार शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सातवें चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी। सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों को जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग उन्हें भ्रमित कर रहा है, इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग उन्हें उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए वो आंदोलन की अब तैयारी कर रहे हैं। तो सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की जो पोल है वो खोल दी है। वहीं शिक्षा मंत्री फिर आज बड़ी घोषणा की है न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो भी आप देखिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षकों के 50% पद पर जो होगी सीधी नियुक्ति, बाकी पूर्णति से भरे जाएंगे। सातवां चरण शिक्षक नियमावली को शिक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी, प्रक्रिया अंतिम चरण में है ऐसा कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 2.5 लाख से अधिक रिक्त पद पर बहाली की जानी है। फिर से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 27,000 से अधिक प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की जानी है। अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट के बाद भुगतान करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और यहाँ लिखा है कि बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर शेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन सचिवालय में जो शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं उनका कुछ और ही कहना है। दोस्तों उनकी बातों को भी आप सुन सकते हैं, जो अभ्यर्थी सचिवालय पहुँचे हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने सच्चाई जो है वो बताई है। तो सचिवालय पहुँचे शिक्षक अभ्यर्थियों की सच्चाई हमने जानी तो बहुत ही हमें दुख हुआ कि यार शिक्षा विभाग जो है कि वो शिक्षक अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहा है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी हम सुन लेते हैं। साथ स्टेट के भी साथी हैं और सारे लोग हम लोग आज मिले हैं बिहार के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह जी से। जो हल्ला और गुड़गुड़ाम चल रहा है शिक्षा मंत्री के और नीतीश कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पोस्ट पर, तो ये आपको बरगलाया जा रहा है, खुलेआम बरगलाया जा रहा है। और जो अभ्यर्थी नेता है शिक्षक बहाली के, उनको हम बोल रहे हैं अगर अगला बहाली में, अगला जो कैबिनेट बैठक में नियमावली आ गया तो आपको हम 1 बीघा अपना जमीन देंगे। क्या है कि शिक्षा मंत्री बोले हैं कि साइन हो गया है, बोले कुछ नहीं, उस संशोधन के लिए साइन हुआ था। अभी 15 बार ड्राफ्ट बनेगा, 15 बार साइन होगा, उसके बाद कमेटी में जाएगा, उसके बाद वित्त मंत्रालय में जाएगा, उसके बाद कैबिनेट बैठक में जाएगा। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, तो अब सोचिए कि आपको करना क्या है, बहाली लेना है कि घर ही दूसरे के बात में आके बैठल रहना है। सीधा सा बात है, हमने उनसे सीधा पूछा कि 1-1.5 महीना में भी आ जाएगा नियमावली, तो वो भी उस पर भी आश्वस्त नहीं थे। हमने बोला कि 3-4 महीना में बहाली आ जाएगा, तो उस पर भी आश्वस्त नहीं, तो खुलेआम 4 महीने पर भी तैयार नहीं है। जब समझिए कि कोई अधिकारी, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, 4 महीना कभी समय नहीं दे रहा है कि 4 महीना बाद भी बहाली आ जाएगा, तो फिर अब क्या उम्मीद करते हैं, किससे उम्मीद करते हैं। और जानिए, और हमारे साथ जो है ये लोग भी मिले हैं। सबसे बड़ा चीज है रही मंत्री जी और नीतीश कुमार जो भी आया है, ये सब जो सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार, ये सब आंदोलन को कम कमजोर करने का ही सब है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि नीतीश जी बताए, ये सब परगलाने का काम है। जाग जाइए, सही बोले, 1 बीघा लिखने का तैयार है। जो उनको विश्वास नहीं होता नेताओं के बात भरोसा जी, वो खासकर बिहार में अरे झूठा दल से हम नहीं मानते हैं। आप आइए, हम तो कहेंगे आंदोलन करिए, सीटेट बीटेट स्टेट सब मिलकर आंदोलन करेंगे 1-12, और रुकिए नहीं, रुक गए तो चुक गए, बस यही हम कहना चाहेंगे। देखिए साथियों, जैसे इन्होंने बोला एकदम बात सही है, दीपक कुमार सब लोग डायरेक्ट पूछे, वो स्पष्ट नहीं बोली, स्पष्ट तौर पर बोल दिए कि नियमावली नहीं आने जा रहा है अगले कैबिनेट में। अब हम उनके बात को नहीं समझे, हम किनके बात को मानेंगे, पर सबसे बड़ा अधिकारी वही है शिक्षा विभाग में, वो जो बोलेंगे वही ना बात को समझेंगे, आकर के यहाँ ग्राउंड पे समझते हैं। और ग्राउंड पे मालूम चला यही कि नियमावली नहीं आने जा रहा है, ये बस हम लोग को बरगलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ये विधानसभा सत्र को चाहते हैं कि लोग घुमा घुमा करके पैसों काट ले, लेकिन सतर्क हो जाइए और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, लड़ाई आर पार की है, क्योंकि ये 4 महीना बोले ना, 4 महीना नहीं,
इस साल में भी आपको विश्वास मत रखिए, जैसे ये बोल रहे हैं क्या एक साल में भी 23 लाख तक दिसंबर तक भी नहीं होगा, हम आज कह दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने जीवन के प्रति अगर हो जाएगा थोड़ा सा भी सक्रिय मतलब सोचते हो जाएगा तो आप अगर जरूर इस बार आंदोलन में आइएगा, जरूर आंदोलन नहीं आइएगा ना तो सोच लीजिए मौका गंवा लिए है, इन लोग बरगला के आपको पागल कर देगा, मेंटल कर देगा, आप इधर घूमते रह जाइएगा। सभी साथी से प्राइमरी के सभी साथी से विनती करते हैं कि जो भी डेट दिया जा रहा है उस डेट को सब लोग इकट्ठे होकर आइए, किसी के बात मत रहिए। कोई आकर के पूछते हैं आंदोलन का डेट रखा गया, मीटिंग हो गया तो शिक्षा मंत्री बयान दे देते हैं कि यहाँ वाली फरवरी में रहा, कल ले बयान तुरंत देते हैं कि हम साइन करके आ गए। तो हम लोग आए हैं पूछने, कुछ नहीं हुआ है, लिफाफों पे साइन नहीं हुआ है, बस आप लोग को शांत करने के लिए आई हूं। हम लोग यहाँ आके स्पष्ट शब्दों में पूछे हैं सर कब तक आ जाएगी, तो बोले कि अब ही ड्राफ्टिंग हो रहा है, संशोधन चल रहा है, समय लगेगा। हम बोले निर्धारित समय बता दीजिए, एक डेडलाइन बता दीजिए, तो बोला वो हम नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपने मुने इंग्लिश बकने लगते हैं भैया मेरे, आंदोलन कमजोर नहीं कीजिए, आंदोलन ही एक रास्ता है जो आपको जीत दिला सकती है। यूनिट मिला है आज, जो अपडेट मिला है उसमें यही अपडेट मिला है कि अभी नहीं आने वाले हैं। हमारे ये भाई साहब बोले 1 बीघा देंगे, हम 3 बीघा दे देंगे अगर 8 तारीख को आ जाता है। हमारे घर समस्तीपुर जिला है, सब रोड पे जमीन है, 3 बीघा किनको लेना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आ जाएगा। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ, समझे, जरूर कमेंट कीजिएगा पेपर पर के नहीं यहाँ पढ़िए, सत्य पे आइए, धरातल पे आइए। लड़का लोग चेहरा देख रहा है, लड़ लड़ के सूख के आदमी है, कहे ला लड़ रहा है जी, किसके लिए लड़ रहा है? आप लोग विद्यार्थी से कहते हैं 1-5 STT 19 सबसे कहते हैं, क्यों लड़ रहा है, हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इन्हीं को नौकरी ज्यादा जरूरत है? नहीं, सबके लिए लड़ रहा है, नेता कह दिए उसी पर आप लोग शांत रहते, खटिया पर खराटा लेने लगते हैं, कहा है भाई क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, अपना अटल पे रहिए, अपना दिमाग से काम लीजिए, अन्यथा आपका तो नौकरी फिर 2023 तक के नहीं होगा। नम्र निवेदन है कि अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए और आपका क्या होगा ये देखिए, आप प्रोटेस्ट के लिए तैयार रखिए, हम लोग तो दोस्तों ये थी सचिवालय पहुंचे हुए हमारे उन भाइयों की आवाज़ जो कि बुलंद कर रही थी आप लोगों की को कि केवल आप शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातों पर मत आइए, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, केवल ड्राफ्टिंग में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग का काम चला है और केवल एक सिग्नेचर हुआ है शिक्षा मंत्री का, वो भी संशोधन के लिए, अभी कई सारे संशोधन होंगे। आपने सुना पूरा का पूरा हकीकत यहाँ पे बयां किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आगे की जो भी अपडेट आएगी हम सीधे चैनल के माध्यम से पहुँचाएँगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए और पल पल के अपडेट के लिए दोस्तों बने रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।